जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, कैसी होगी आपकी शिक्षा, आपका व्यापार, विवाह, वैवाहिक संबंध, क्या लाभ मिलेगा, क्या प्रमोशन होगा, क्या तरक्की होंगी, क्या परेशानियाँ हल होंगी, सब कुछ निर्भर करता है आपके नौ ग्रहों पर। वो नौ ग्रह आपको इस महीने कहाँ पर किस राशि में बैठे हैं, आपकी राशि से किन भावों में बैठे हुए हैं, क्या वो आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक, सबका पूर्ण रूप से विचार इस वीडियो में होगा। कोई सा भी टॉपिक इसमें नहीं छोड़ा जाएगा, सभी नौ ग्रहों के बारे में बात होंगी, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात होंगी। वीडियो कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन जो भी बातें होंगी वो आपके मतलब की होंगी। तो शुरुआत करते हैं, चंद्र राशि पर आधारित हमारा ये वीडियो है जिसमें हम पहले ग्रहों की स्थिति, फिर ग्रहों का परिवर्तन और फिर ग्रहों का फलित देंगे कि वो आपको प्लैनेट क्या दे रहे हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए जिससे आपको इन फ्यूचर भी ऐसी ही वीडियो आपकी राशि से संबंधित मिलती रहे। आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रहों के इस गोचर को। राशि से दूसरे घर में शनि है, तीसरे घर में राहु और 1 जून को मंगल का परिवर्तन। इस महीने मुख्य केंद्र में रहेंगे ये चार ग्रहों का एक संयोग बन रहा है, गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र का। ये चारों ग्रह इस महीने राशि से पंचम भाव में रहेंगे जिसमें से 3 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। 12 जून को शुक्र करेंगे, 14 जून को बुध करेंगे और सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। यानी पहले ये ग्रह चार एक साथ यहाँ होंगे, फिर बाद में ये तीन ग्रह इसमें से निकलकर छठे भाव में पहुँच जाएंगे। इसका आपकी राशि पर क्या फर्क होगा, सबसे पहले देखते हैं कि राशि का मालिक है शनि और वो शनि बली अवस्था में दूसरे घर में है। अच्छी बात यह है कि इस दौरान ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो भी आपके लिए सकारात्मक ही है। यानी कहीं ना कहीं राशि का मालिक भी बली है, राशि के मालिक का संबंध दूसरे घर से है और यहाँ से बैठकर शनि एकादश भाव में देखता भी है। इसका मतलब किसी न किसी प्रकार से ये कॉम्बिनेशन बनता है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन धन के साधन बनते हैं। शास्त्र कहता है जिस भाव में अधिक ग्रह बैठे हों या जिस भाव से अधिक ग्रह संबंध बनाए उस भाव से संबंधित रिजल्ट मिलते हैं। यदि मैं इस महीने में ये देखूं कि ये एकादश भाव जिसको हम लाभ का, प्राप्ति का, तरक्की का, आमदनी का, प्रमोशन का भाव कहते हैं, इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं, उसका ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है और 4 ग्रह यहाँ से बैठकर उसको देख रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 11वां घर एक्टिवेट हो रहा है। और जब 11वां घर एक्टिवेट हो रहा है तो इसका मतलब है लाभ के रास्ते खुलते दिखाई देते हैं। ये वो कॉम्बिनेशन है जो सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगा। एक मोटा सूत्र है कि हाँ भाई, इस महीने लाभ मिलेगा, पैसा आएगा, सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। अगर दशा चल रही है प्रमोशन की और इंतजार है कि कब प्रमोशन होगा, तो यही वो टाइम है जिसमें प्रमोशन का लेटर आएगा, जिसमें आपके जीवन में तरक्की होगी। ये इस ग्रह ने क्लियरली इस कॉम्बिनेशन को दर्शा दिया। तो शनि बलि हुए, लाभ भाव एकादश भाव बलि हुआ, शनि ने देखा चौथे घर को और चौथे घर का मालिक मंगल वहाँ बैठा है अपने ही भाव में। यानी जो लोग भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क करते हैं या भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ जीवन में करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, वो सब कुछ हमें इसी कॉम्बिनेशन से मिलता है कि मंगल रोचक राजयोग बनाकर बैठा हुआ है चौथे घर के अंदर। तो चौथे का मालिक चौथे घर में बैठ गया और क्या चाहिए, भाव का स्वामी भाव में बैठ गया। यहाँ से बैठकर उसने अपने ही भाव को देख भी लिया, यहाँ से बैठकर उसने देख लिया दशम भाव को, यानी कर्म, कार्य क्षेत्र, प्रॉपर्टी और लाभ से संबंधित स्थितियों को सकारात्मक करेगा मंगल। अब आती है चतुर्ग्रहों की भूमिका। सबसे पहले हमने देखा 4 ग्रह कहाँ बैठे हैं, पंचम भाव। तो पंचम भाव में सबसे पहले क्या आता है, शिक्षा, विद्या, फिर उसके बाद आती है बुद्धि और निर्णय, कि ये 5वां घर इन सब चीज़ों का है। तो पंचम भाव में क्या आएगा, शिक्षा, विद्या, बुद्धि और निर्णय। तो 5वें घर में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो शिक्षार्थी हैं, जो किसी भी तरीके की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये उन्नत समय, क्योंकि 4था घर एक्टिवेट है, सॉरी 5वां घर एक्टिवेट है, उसमें 4-4 ग्रह पूरी तरीके से लगे हुए। शुक्र अपनी ही राशि के हैं, बुध मित्र की राशि के हैं, गुरु पहले से ही शुभ ग्रहों के बैठे, यानी ये चतुर्ग्रही योग आपके लिए किसी न किसी प्रकार से शुभ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 5वें घर के पूर्ण रिजल्ट देते हैं पूरे ग्रह।
अब इसके होते हैं परिवर्तन। पहला परिवर्तन शुक्र का परिवर्तन होगा 12 जून को, योग कारक शुक्र छठे घर में आएंगे, पंचम का मालिक छठे में जाता है, तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज एजुकेशनली होती हैं। लेकिन जब छठे ही घर का मालिक बुध भी पीछे पीछे 14 जून को यहाँ आ जाता है, तो ये अपने आप में एक अच्छे योग में तब्दील हो जाता है, क्योंकि पंचम, दशम और नवम इन तीनों के मालिक छठे घर में जा रहे हैं, और छठा घर संघर्षों का भाव है, सफलता निश्चित मिलती है। कि जहाँ संघर्ष हो रहा है, जहाँ एफर्ट्स हो रहे हैं, तो क्या होगा, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका कंपटीशन इस बीच में आने वाला है जून जुलाई के महीने में, तो उसके क्लियर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। प्रोफेशनली देखें तो नौकरी के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो, ये समय आपके लिए ठीक है। जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा धन ये ग्रह देने में सक्षम है। भाग्य भाव का मालिक बुध भी यहाँ है, और वो बुध यहाँ छठे घर में स्वराशि का है, इसलिए ये स्थिति आपके जीवन में भाग्य के लिए बेहतर है, आपके कार्यक्षेत्र के लिए शुभ है, जीवन में आनंद के लिए शुभ है। सूर्य ग्रह भी यहाँ आ जाएंगे, और सूर्य बनाएंगे अष्टम का मालिक होकर जब यहाँ जाएंगे विपरीत राजयोग, यानी विपरीत परिस्थितियों से निकाल कर लेकर आने वाला प्लेनेट बनेगा सूर्य। यानी ये चतुर्ग्रही योग जो पहले यहाँ बन रहा था और बाद में ये त्रिग्रही यहाँ बनेगा, ये दोनों ही लिहाज से शुभ है, जिसको हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में प्लेनेटरी पोजीशंस आपकी एजुकेशन के लिए, लाभ के लिए, तरक्की के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, धन के लिए, प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें, कार्यक्षेत्र के हिसाब से देखें, सभी तरीके से ये स्थिति शुभ बनी हुई है। तो कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए बेहद खास है, बेहद शुभ है। अवश्य ही जून के महीने में मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहों की भूमिका ने कुछ ना कुछ बेहतर स्थिति को तैयार किए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये था मकर राशि के जातकों का जून 2024 का मासिक राशिफल। जय श्री राम।